गाइस, स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हो नवीन ब्लॉग्स। तो अभी हम लोग हैं केज के पास और आज की प्लान ये है कि हमें जाना है रांची, कुछ काम है। जैसे इनका एक सीड मिक्स है जिसको बोलते हैं फॉक्सटेल मिलेट कांगनी, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, उसको परचेज करना है। उसके बाद एक बर्ड है जिसकी पेयरिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हमें दूसरा पेयर लेके आना है, एक जो येलो वाला है। और जो तीसरा काम है कि कुछ न्यू बर्ड्स की प्लानिंग चल रही है, तो हो सकता है कुछ न्यू बर्ड्स लेके आने पड़े। तो इस तरह के छोटे छोटे काम हैं, कुछ फ्लैक्स सीड्स वगैरह देखने हैं। तो चलिए चलते हैं। और बर्ड सारे ठीक ठाक दिख लग रहे हैं, अपने अपने जगहों पे खेल रहे हैं। एक यहाँ नीचे साइड में बैठा हुआ है। तो सारे बर्ड्स ठीक हैं। ये केज को भी ले लेते हैं, लेट्स गो। बैठिए। ओके, इसको रख दिए हैं। उसको ले के आते हैं। ऑल राइट, तो अभी आ गए हैं यहाँ पे रांची और जा रहे हैं बर्ड्स लेने के लिए। ठीक है, तो पहुँचते हैं शॉप पे और दिखाता हूँ आपको बर्ड शॉप। तो गाइस, अभी हम लोग हैं भाई के शॉप में। ये है शॉप और काफ़ी सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे। और ये है लव बर्ड्स, सॉरी ये है हमारा बजीज। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे कलर्स हैं। ये हमको लग रहा है कि छोटे बच्चे हैं अभी ये सब जो हैं, और ये बड़े वाले हैं। इसमें से मुझे अभी ले जाना है एक पेयर और साथ ही साथ ले जाना है एक मेरा जो अनपेयर हो रहा है उसके साथ। ये है हमारे पिंचेस, अच्छे लगते हैं ये भी इनके कंपैरिजन में। ये तो खैर अच्छे दिखते ही है, कोई अच्छा सा कलर हम लोग अभी ले जाएंगे। रैबिट है, पिजियंस है और लव बर्ड्स भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब लग रहा है कि कबूतर इन्होंने छोड़ा हुआ है, मतलब नॉर्मली ऐसे रोड में घूम रहे हैं, भाग नहीं रहे। तो खैर ले लेते हैं पहले पेयर को। तो अभी ले जाना है कुछ बर्ड्स को, तो भैया गए हुए हैं कहीं, जैसे आते हैं फिर हम लोग लेके निकलेंगे। और उम्मीद है कि इन्हीं तरह के बर्ड्स को ले जाना है, कुछ अच्छे कलर्स हम लोग तब तक पसंद कर लेते हैं। और हमें सीड्स भी लेना है, तो सीड्स यहाँ पर रखा हुआ है। ये आई थिंक सूरजमुखी का बीज है और कुसुम दाना है, तो ले जाना है इसको। ये हमको मिल नहीं पा रहा था क्योंकि यही चीज़ की कमी थी मेरे सीड मिक्स में। और इधर है हमारे केजेस का पूरा स्टॉक, बड़ा केज, छोटा केज। और एक यूनिक चीज़ दिखा रहा हूँ, आजकल ब्रीडिंग बॉक्स भी आ गए हैं, ब्रीडिंग बॉक्स अलग अलग टाइप्स के, बट लकड़ी वाला बेटर होता है, अपना अपना चॉइस है। तो ये है हमारा लव बर्ड, आप देख सकते हो। ये लोग किस तरह से रहते हैं, लव बर्ड जो होते हैं ना वो काफ़ी नॉइजी होते हैं, काफ़ी हल्ला करते हैं और थोड़ा बाइट भी करते हैं, छोटे छोटे साइज़ के हैं। तो ये लव बर्ड्स हैं, नॉइज़ी तो काफ़ी है, इसका नॉइज़ पता चल रहा है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है, मतलब दो चार दो छः सात आठ दस है यहाँ पे टोटल, तो इतना हल्ला हो रहा है। और ये वाला जो कॉकर टेल है बहुत ज़्यादा नॉइज़ी नहीं है, काफ़ी
काम टाइप का बर्ड है, बहुत बड़ा बर्ड है, देखने में काफ़ी बोल्ड लग रहा है। तो मैं दोनों को देख रहा हूँ, प्लान करते हैं। तो हो गया है कंप्लीट और हमने लिया है टोटल 7 पीस। बताओ, 1 पीस लेने आया था मैं और 7 लेके जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कलर्स गाइस, ये वाला बहुत अच्छा कलर है, ये रेनबो है, और ये जो वाइट है वो भी रेनबो है, और ये दोनों स्पैंगल है, ये बहुत अच्छे लगेंगे स्पैंगल्स। तो और ये येलो वाला मेरा फीमेल है, छोटी है अभी, लेकिन सबसे पहले ब्रीड करेगी आई होप। तो हमने दाना भी ले लिया है कांगनी, तो चलते हैं इनको लेके अब घर और निकलते हैं। खोल दो, पहुंच गए हैं गाइस। इसको खाली पकड़ दो ऊपर वाला दाना। ऑलराइट, तो हम लोग आ गए हैं छत पे और रांची से हम लोग आ चुके हैं। मौसम काफ़ी अच्छा, बादल का व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो चलते हैं मास्टर केज की तरफ। यह है हमारा सेटअप, रात में बड़ा अच्छा लग रहा है ये सेटअप। सारे बर्ड्स अंदर हैं, मैं बहुत ज़्यादा सामने तो नहीं जाऊँगा क्योंकि डरते हैं वो लोग। ये है गाइस रात का व्यू, सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं आराम से डालों में। तो चलिए हम लोग अपने उन बर्ड्स को छोड़ देते हैं, फ्री कर देते हैं और बाहर निकलते हैं। इनका दाना हो गया है काफ़ी कम, सिर्फ छिलका ही है, और ये काफ़ी छटपटा रहे हैं क्योंकि इन्हें छोटा लग रहा है। अब इन्हें फ्री करना है, सारे डर भी रहे हैं, तो मुझे निकलना है जल्दी से फ्री करके। इन्हें फ्री करते हैं और चलते हैं बाहर और ब्लॉग को एंड करते हैं। ओके, तो सारों को मैंने रिलीज़ कर दिया। लाइट काफ़ी तेज़ है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि अंदर में एक लाइट जलाता हूँ मैं ताकि उन्हें हीट मिल सके। आराम से। तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड, और ये लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं मुझे। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन में जाके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिल सके। एंड लव यू गाइस, बाय।